हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दया सागर और आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों अक्सर आप देखते हैं यहाँ पर कि YouTube की हिस्टोरी होती है बहुत सारी, जिनको हम सर्च करते हैं और हो सकता है कि कुछ गलत नाम भी हमसे यहाँ पर सर्च हो जाए और किसी दूसरे के हाथों में मोबाइल चला जाए और वह हमारे उस गलत नाम को पढ़ ले, यानी कि उसके मन में ऐसा ही ख्याल आएगा कि हम यहाँ पर गलत चीज़ें सर्च करते हैं। तो वैसे आप गाइस यहाँ पर सर्च हिस्टोरी को कैसे डिलीट करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपसे गलत नाम यहाँ पर कुछ टाइप हो जाता या फिर आप सर्च किए हुए कीवर्ड को यहां से रिमूव करना चाहते हैं तो इजीली आप एक से दो को तो रिमूव आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको यह पता है कि एक ही बार में हम सारे हिस्टोरी सर्च हिस्टोरी कीवर्ड को कैसे डिलीट कर सकते हैं? चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में कि YouTube की सर्च हिस्टोरी को कैसे डिलीट किया जाता है। साथ ही मैं कुछ और चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आज मैं आपको यहाँ पर सर्च हिस्टोरी डिलीट करना बताने वाला हूँ, एक ही बार में हम पूरी साफ कर देंगे। तो अब मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ कि सर्च हिस्टोरी कैसे डिलीट की जाती है। आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपने लोगो पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन शो होता है तो सेटिंग के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर हिस्टोरी एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन शो होता है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर सर्च हिस्टोरी का एक ऑप्शन शो होता है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर सर्च हिस्टोरी का एक ऑप्शन शो होता है, आपको क्लियर सर्च हिस्टोरी के इस ऑप्शन पर दबाकर पूरी हिस्टोरी डिलीट कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर दबाओगे आपकी हिस्टोरी यहाँ से डिलीट हो गई है। अब दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बाहर चलकर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से आपकी सर्च हिस्टोरी डिलीट हो गई, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे वीडियोज़ को आप देखते जाते हैं यहाँ पर वॉच हिस्टोरी भी शो होती है आपके सामने, तो इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं आज की इस वीडियो में यह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको वापस से अपने लोगों पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो होता है हिस्टोरी प्राइवेसी का, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको क्लियर वॉच हिस्टोरी पर क्लिक करके वॉच हिस्टोरी को यहाँ पर डिलीट कर देना है, यानी कि पूरी फुल रिमूव कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी वॉच हिस्टोरी भी डिलीट हो गई है। अगर आपको वॉच हिस्टोरी और सर्च हिस्टोरी को परमानेंटली यहाँ पर आए नहीं, आपको दिखाई नहीं दे, यानी कि डिलीट की डिलीट ही रहे, तो आपको पोज सर्च हिस्टोरी और पोज वॉच हिस्टोरी को आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। यानी कि इनेबल करने के बाद आपको कभी भी यहाँ से सर्च हिस्टोरी जो आप सर्च करोगे वह कीवर्ड आपके सर्च हिस्टोरी में शो नहीं होंगे। एंड यहाँ पर वॉच हिस्टोरी भी आपकी शो कभी नहीं होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी पर क्लिक किया और वॉच हिस्टोरी भी आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो मैंने यहाँ पर थंबनेल पर कुछ और डाल के रखा था और दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा ही मैंने इस वीडियो में नॉलेज दे दिया है। तो कुछ ऐसे ही मैं आपके लिए जेन्युइन वीडियोस लेकर आता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है और कुछ सीखने को मिलता है। सो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही डेली वीडियोस लेकर आता हूँ, इसीलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियोस प्राप्त होती रहे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट टेक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।